धन्यवाद रहा हूँ शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों। जैसे कि आपको पता है, बालिकाओं को कक्षा 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक यानी 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर गार्गी पुरस्कार देने का प्रावधान है। इस संबंध में एक लेटेस्ट जो अपडेट है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान जयपुर की तरफ से 3/5 यानी कल ही एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें गार्गी पुरस्कार प्रथम द्वितीय किस्त और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना वर्ष 23-24 की पात्र बालिकाओं से शाला दर्पण पोर्टल पे आवेदन ऑनलाइन भरवाने के संबंध में एक लेटर जारी किया गया, और जिसमें कहा गया है कि जो गार्गी पुरस्कार की प्रथम और द्वितीय किस्त और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार 2023-24 में अभी तक मान लो किसी बालिका ने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है, तो जो भी पात्र बालिकाएं हैं उनको लाभान्वित करवाए जाने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। यानी हालांकि ये पोर्टल पहले भी खुला था, अधिकांश लोगों ने भर लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर मान लो किसी भी कारण से कोई भी बालिका है अभी तक वंचित है, तो उनको अंतिम अवसर दिए जाने प्रदान किए जाने के कारण मद्देनज़र शाला दर्पण पोर्टल यानी बालिका प्रोत्साहन शिक्षा प्रोत्साहन जो टैब है वो वापस 31/5 यानी 31 मई तक पुनः खोला गया है। यानी इस महीने में आप इस महीने के अंत तक 31 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। अतः आप कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में पूर्व में न आवेदन करने वाली बालिकाओं से यानी अभी तक किसी भी तरह की जो बालिका अगर मान लो किसी ने भी अगर अभी तक आवेदन नहीं किया है तो उनको आवेदन करवाया जाना है, उनसे उनको लाभान्वित किया जा सके। और उक्त दोनों योजनाओं में अंतिम दिनांक तक यदि आपके जिले की कोई भी पात्र बालिका ऑनलाइन आवेदन से वंचित रहती है तो इसका संपूर्ण दायित्व स्वयं करेगा। यानी ये लेटर तो जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय माध्यमिक को लिखा गया है, लेकिन आप सभी के लिए खास करके जो भी अभिभावक या स्टूडेंट्स है 12वीं या 10वीं उत्तीर्ण करके अच्छे परसेंटेज खास करके जो बालिकाएं प्राप्त किए हुए उनको अभी तक गार्गी पुरस्कार का फॉर्म नहीं भरा है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। ये जो लेटर है ये 3/5/2024 यानी ये कल ही जारी हुआ है, डिजिटल साइन है, राजगास रेफरेंस नंबर 20 में दिख रहा है। अब इसको कैसे अगर मान लो किसी बालिका का फॉर्म भरना है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ से जो शाला दर्पण की जो साइट है इसके नीचे स्क्रॉल करना, तो यहाँ नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है बालिका प्रोत्साहन, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो बालिका शिक्षा प्रोत्साहन वाला जो टैब है इसमें क्लिक करने के बाद में जो गार्गी पुरस्कार से संबंधित जो भी अलग अलग आवेदन के जो ऑप्शन है वो खुल जाएंगे। जैसे गार्गी पुरस्कार कक्षा 10 प्रथम किस्त यानी 10वीं में अगर 75% या अधिक बालिका ने प्राप्त किए हैं और 2023-24 में हुआ तो उसकी पहली किस्त के लिए आवेदन है वो यहाँ क्लिक करना है। अगर मान लो इस साल 11वीं में थी बच्ची और 10वीं में उसके परसेंटेज है और उसकी सेकेंड किस्त बाकी है तो यहाँ क्लिक करना है। 12वीं में अगर 23-24 में 12वीं में उसने 75% से ऊपर अंक प्राप्त किए तो यहाँ आवेदन करना है। और गार्गी पुरस्कार प्रोत्साहन का अगर प्रमाण पत्र प्रिंट करना है, मान लो आवेदन किया हुआ है और प्रमाण पत्र उसको निकालना है, तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या ऑप्शन होंगे, यानी जैसे मान लो 10वीं की प्रथम किस्त के लिए अगर आवेदन करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे, तो यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो विद्यार्थी का जनाधार होना जरूरी है और जनाधार में नाम और जन्म दिनांक सही हो, जो विद्यालय में के रिकॉर्ड में हो, 10वीं के हो, 12वीं में रिकॉर्ड जो भी हो उसके अनुसार जनाधार मैच होना चाहिए यानी ऑथेंटिकेट होना चाहिए। उसके अलावा यदि अभ्यर्थी का नाम और जन्म दिनांक है वो जनाधार में सही नहीं है तो सबसे पहले जनाधार को अपडेट करवाना है, उसके बाद ही आवेदन करें। यहाँ बालिका का नाम एंटर करना है, पिता का नाम, माता का नाम, और 22-23 में कक्षा 10वीं में, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 23-24 में गत साल 11वीं में जो बच्ची थी यानी इस साल 11वीं का एग्जाम दिया उसके 10वीं में अगर 75 से ज़्यादा है तो यहाँ रोल नंबर एंटर करना है जिसमें शून्य नहीं लगाना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लगा कर करके यहाँ इसको प्रमाणीकरण करना है। उसके बाद आगे का जो भी ऑप्शन होगा जिसमें बैंक डिटेल्स वगैरह मांगी जाएगी, ये मैं इस पर कई वीडियो बना पहले भी बना चुका हूँ, जैसे गत साल भी या उससे पहले भी जब भी इस तरह के आवेदन हुए मैंने बालिकाओं के आवेदन कर करके इसका लाइव भी आपको बताया हुआ है। तो इस तरीके से इसकी लास्ट डेट है 31/5 तक। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर बालिका ने 10वीं या 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और अभी तक उसका आवेदन गार्गी पुरस्कार के लिए नहीं भरा है तो अभी भी आप भर सकते हैं, जिसमें सरकारी विद्यालय या निजी विद्यालय कोई भी आवेदन कर सकती है। जनाधार और जनाधार में नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सही होनी चाहिए, खाता उसका होना चाहिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी गार्गी के संबंध में कि गार्गी पुरस्कार के अभी तक किसी भी बालिका का फॉर्म नहीं भरा है यानी अभी तक वंचित है तो उसका यथाशीघ्र है वो फॉर्म भरवाएं। अगर आपके भी आसपास में कोई बालिका है और जो पढ़ाई में होशियार है और 75% अंक प्राप्त कर चुकी है और अभी तक उसका आवेदन गार्गी पुरस्कार ग्रुप में नहीं भरा है तो अभी एक अंतिम अवसर दिया गया है तो उनको जरूर सूचित करें। तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।